फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं जा रही हूँ अब क्या बनाने। इवनिंग में चाय बनता है। आज है इंटरनेशनल टी डेज। तो जैसे होता है फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, गोलाब्स डे, मतलब रोज डे, ऐसे होता है चाय डे। तो और कुछ डे हमारे घर में मनाया जाए ना जाए, पर जब खाने पीने का चीज का डे आता है तब हमारे घर में जरूर बनती है, जिसे और दिनों में नहीं बनता है। चाय चाय तो हर घर में रोज बनती है। नहीं तो चलिए, इसमें खास क्या है, कुछ भी खास तो होगा। चलो हम बनाना शुरू करते हैं, फिर बाद में मैं बताती हूँ खास क्या है मेरे चाय में। चलिए चल। तो इसके लिए हमको चाहिए पहले क्या, सॉस पैन और क्या। तो इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और लगाएंगे गैस को ऑन करेंगे और उसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको जो है मसाला। कूट के मैंने रखी हूँ, देख लीजिए जो है अदरक और क्या, ग्रीन इलायची, हरी इलायची और लौंग्स, पेपर और कुछ नहीं। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे पानी में। ऐसे वाला चाय तो इस वाला चाय मैं कभी नहीं बनाती हूँ। ऐसे आती हूँ, पटाक से दूध डालती हूँ और चाय की पत्ती डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ, नमक डालती हूँ, बस बन जाता है मेरा चाय। बस आपको आज दिखाने के लिए ये प्रोसेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, जिसको मैंने हस्बैंड आयो। तो चलिए, ये जिसको मैंने हस्बैंड से सिखाया था ज़रूर, पर मैं कभी नहीं बनाती हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे इतना तामझाम नहीं करना है। बस आओ, दूध डालो, उसी में सारा अदरक डालो, फिर नमक डालो, शक्कर डालो, बना लो। में उबाल आ गया है और दो मिनट के लिए हम छोड़ देंगे मसाले को होने के लिए, मतलब उसका जो है फ्लेवर छोड़ने के लिए पानी में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध, नहीं इससे पहले हम डाल देते हैं ये चाय की पत्ती, एक चम्मच। दो कप चाय के लिए एक कप, मतलब एक चम्मच में चाय यूज करती हूँ। इसके बाद हम डाल देंगे दो कप मिल्क। तो 2 कप चाय हमारा उबल रही है, मतलब दूध उबल रही है। और इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, कुछ नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे थोड़ी सी प्यार और इंतजार, इंतजार, इंतजार। 5 मिनट के लिए, जितना देर के लिए हमारा चाय उबलेगी उतना टेस्टी बनेगी। चलो छोड़ देते हैं उसको उबलने के लिए, मतलब उबाल आने के बाद अच्छे से, अच्छे से उबल आने के बाद हम इसको छोड़ देंगे सिम पे 2 मिनट के लिए। जब तक इसमें उबाल आ रहे हैं हम डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में मीठा सबको पसंद है, चाय के साथ भी। मतलब चलो उबाल तो नहीं आया है, जब तक इसी में उबाल आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ मेरा चाय में खास क्या है। और मेरा चाय में खास यह है कि मेरे चाय में मेरे हाथ का प्यार मिलाया हुआ है। जैसे आपके घर में आपके हाथों का प्यार मिलाया हुआ होता है, मेरे घर में मेरे चाय का, मेरे हाथ का प्यार मिलाया हुआ होता है, इसीलिए मेरा चाय थोड़ा खास है, स्पेशल है।
ये लीजिए चाय में उबाल आ गया, उसको हम कर देते हैं सीम, नहीं तो नीचे गिर जाएगी। नहीं तो वीडियो देखने के बाद आप, मैं सोच रही हूँ गाली दोगे, बिल्कुल भी गाली मत दीजिएगा। आप सोचोगे दीदी आपके चाय में खास क्या है, हमारे घर में तो रोज बनती है, हमारे घर में भी रोज बनती है, इसमें कोई खास नहीं है। जैसे कि आज इंटरनेशनल चाय डे है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला चाय। चाय पीजिए, खुश हो जाइए और प्यारा सा स्माइल करके प्यारा प्यारा कमेंट लिख दीजिएगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ बन गया है हमारा चाय, चलो ले आते हैं 2 कप, क्योंकि हमारे घर में 2 जन ही चाय पीते हैं। हमारे चाय में एक अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम निकाल लेते हैं 2 कप चाय के लिए, मतलब चाय सर्व करने के लिए। चलिए छन्नी कहाँ है भाई, तो लीजिए सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म चाय। छी छी चाय हमारा बनके रेडी है, अब हम जा रहे हैं पीने के लिए। चाय के साथ क्या करेंगे आप सोच रहे होंगे, चाय के साथ बिस्किट जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ओडिशा में चाय के साथ है खाते हैं मूढ़ी 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 मूढ़ी। तो चाय के साथ आज मैं ट्रेडिशनल चाय खाऊंगी, मतलब पीऊंगी उसके साथ मूढ़ी। तो हमारा चाय रेडी है, गर्मा गर्म मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, ठंडा हो गई है, मतलब ठंडी हो गई है, 2 मिनट हो गया है, उसके बाद मैं पीऊँगी। सब कुछ ठीक है, बस चीनी थोड़ी सी कम है, जो हमारे घर में हमेशा कम हो जाता है, जितना भी डालो सब बोलते हैं कम है, चलो चलेगा। उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब चाय के साथ बारिश का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। जब बारिश होती है तो सब बोलते हैं चाय ले आओ भाई। तो चलिए बारिश के साथ साथ हम कर रहे हैं चाय को एंजॉय। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नई हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विद स्माइल विद सस्मिता। धक्की की पड़ी होगी मुझे भी ना, वो तो